दोस्तों, आपके पास किसी भी कंपनी का फ़ोन हो और उसमें आपकी कोई भी सिम कार्ड डली हो, जियो की डली हो, आइडिया की, वीआई की, या फिर आपकी एयरटेल की कोई भी सिम हो, उसमें आपको एक एरर देखने के लिए मिलना होगा। यहाँ पे आपको लिखा होगा अनरीचेबल, सर्वर अनरीचेबल, इस तरीके से लिख के आ जाता होगा जब आप कॉल लगाते होंगे, ठीक है। और जब आप डाटा वगैरह ऑन करते होंगे तब तो नहीं होता होगा, लेकिन जब आप कॉल लगाते होंगे तो वहाँ पे आता होगा सर्वर अनरीचेबल। अब दोस्तों, इस प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स करेंगे, आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। इस वीडियो को यदि आप पूरा देख लेते हैं तो 100% आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, बताते हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले बस एक ही बात बोलना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा देना होगा, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे कोई भी वीडियो पब्लिश करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके फोन में सबसे पहले चला जाना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पे आपको लिखा होगा एरोप्लेन मोड, ठीक है, आपके फोन में, या फ्लाइट मोड हो सकता है। उसे आप इस तरीके से एक बार टैप कीजिए और फिर से आप उस पर टैप कीजिए, कर दीजिए थोड़ी देर बाद, और फिर आपको देखना है, फिर आपको कॉल लगानी है, ठीक है, और फिर आपका सर्वर सही हो जाएगा, 100% सही होगा, ठीक है। दूसरी सेटिंग कमाल की है, बस आपको सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको देखना है आपके फ़ोन के अंदर नेटवर्क टाइप हो सकता है या फिर यहाँ पे होगा सिम कार्ड एंड वर्ल्ड डाटा, ठीक है, उस पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपनी सिम को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, आपके एक नंबर सिम पे प्रॉब्लम आ रही है कि दो नंबर सिम पे प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे कि हम मान लेते हैं मेरे एक नंबर पे सिम पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, इस पे हमने क्लिक कर दी, आपको भी इस पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपल से यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा वोल्ट कॉल का, ये आपका बंद हो तो इसे आप यहाँ से ऑन कर लीजिए, ठीक है, जैसे मैंने ऑन कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नेटवर्क टाइप पे आपको क्लिक करना है, या फिर 4G 3G 2G इस तरीके से मिलेगा, ये आपको ऑन कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद बैक जाएंगे, यहाँ एक्सेस पॉइंट नेम पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे राइट हैंड साइड कॉर्नर पे आपको टू डॉट्स मिलेंगे या फिर नीचे की तरफ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, रीसेट एक्सिस पे क्लिक करके इससे आपको रीसेट कर लेना होगा, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे आप 2 से 3 बार करेंगे, ठीक है, जैसे मैं फिर से कर देता हूँ, इस तरीके से आपको कर लेना होगा। इस तरीके से करने के बाद आपको यहाँ देख लेना है आपका जो ऑटो सिलेक्ट नेटवर्क है वो आपकी सिम वाला है कि नहीं है, ठीक है। जैसे मेरा एयरटेल की सिम है तो एयरटेल का यहाँ सिलेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर आप बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद 2 तरीके मैंने आपको बताया, तीसरा तरीका ये है कि आप अपने मोबाइल का जो पावर वाला बटन होता है उसे आप दबाएंगे, जैसे मैं दबा देता हूँ। उसके बाद आप अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके ऑन कर लीजिए थोड़ी देर बाद, ठीक है, और आपकी जो प्रॉब्लम है वो 100% फिक्स हो जाएगी। फिलहाल मैं इस वीडियो में लेता हूँ विदा, आपका कोई सुझाव हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ के जाइए। जय हिंद।